हेलो गाइस, सो वी आर सेल्ड टेक में आपका स्वागत है एंड वेलकम टू डेली टेक न्यूज #99। जी हाँ, अभी न्यूज़ में भी आ जाएगा कि भाई कल मेरी सेंचुरी होगी। मस्ती कर रहा हूँ। एनीवेज दोस्तों, आज भी आपके लिए ऐसे ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ है। बस थोड़ा ज़्यादा प्यार दे दो, मतलब लाइक दे दो, और बस कमेंट आप नहीं कर पाओगे, मुझे खुद को भी पता है। तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला है कि मैं जहाँ पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आपको पता होगा पबजी की लाइव स्ट्रीम करता हूँ, उधर पूरी कमेंट्स खुली हुई है, मैंने देखा। तो आप उधर आके कमेंट कर सकते हो, कोई भी मेरी लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आ जाओ, मैं आपकी कमेंट पढ़ लूँगा और आपको आंसर या फिर हार्ट वगैरह जो भी है वो दे दूँगा। तो एनीवेज दोस्तों, आज भी आपके लिए गर्मा गर्म टेक न्यूज़। और आज मंडे है, और जिनको पता है कि भाई टेक इंडस्ट्री में मंडे मतलब वल्ला मज़ा आ जाता है। एनीवेज दोस्तों, ज़्यादा निवेश करेंगे, फटाफट से आज के टेक न्यूज़ शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो पहले घर की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पर ड्रोन डिलीवरी से, ड्रोन फूड डिलीवरी से एक्चुअल में। जी हाँ दोस्तों, DJC जो काफ़ी बड़ी कंपनी है ड्रोन्स की, मतलब जो ड्रोन उड़ता है उसकी, दोस्तों उसको गवर्नमेंट ने दे दिया कि भाई ले तू कर ट्रायल्स वगैरह, जो तेको करना है कर। एनीवेज तो फिलहाल के लिए जोमेटो, स्विगी और डोनजो, ये गूगल की कंपनी है जो फूड ही प्रोवाइड करती है और कुछ प्रोवाइड नहीं करती, उन सब के साथ मिलके कर रहे हैं ये लोग। टेस्टिंग सभी थोड़े दिनों में शुरू हो जाएंगी या फिर थोड़े टाइमों में। एनीवेज तो हाँ, आपको कैसा लगेगा अगर उड़ते उड़ते आपके पास खाना आएगा? एक चीज़ है हमारे इंडिया में, एटलीस्ट मुंबई में वायर्स बहुत है, तो मतलब वैसे अटक गया, फुरफुर करके सब गया खाना सब, मतलब तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन यार अभी क्या ही करे, ऐसा मतलब ऐसी हमारी गुजराती में बोलते हैं परिस्थिति, अब मुझे उसका हिंदी वर्ड नहीं पता, मतलब कंडीशन, एक्चुअल में कंडीशन ऐसी है कि भाई कुछ कर ही नहीं सकते, दूर रहना एक दूसरे से तो क्या ही कर सकते हो। तो अब आ रहा है फूड ड्रोन से आपके लिए, आपको वेट करना पड़ेगा। देखते हैं थोड़े टाइमों में मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। फिर आपका क्या ख्याल है उड़ते हुए खाने के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हो। चल कमेंट इधर मत करो, उधर जाओ लाइव स्ट्रीम में, वहाँ पे जाके कर डालो। चलिए दोस्तों, का अगला खबर की अरवानी आप पर दोस्तों, सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी टैब S6, जी हाँ, ये काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुआ था, काफ़ी अच्छा टैब था। लेकिन एज़ यूजुअल सैमसंग भागता एप्पल के पीछे, सैमसंग के पीछे नोकिया भागता। एनीवेज प्राइस के मामले में 56,000 इसकी प्राइस थी, अब इसका छोटा वर्जन, इसकी प्राइस अभी तक पता नहीं क्यों रिवील नहीं हुई, अगर हो चुकी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्राइसिंग, और ख़रीदना होगा तो उसका लिंक भी। एनीवेज दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S6 Lite इसका नाम है, इसमें आपको 7,200 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में उनका वर्ल्ड फेमस प्रोसेसर Exynos का 9611। अब मुझे नहीं पता भाई ये कब तक वापरने, मतलब यूज़ करने वाले ये प्रोसेसर, मैं थक गया हूँ इस प्रोसेसर, मतलब सब थक गए, मैं अकेला नहीं हुआ। जो सैमसंग यूज़र है वो तो मांग रहे कि भाई कोई स्नैपड्रैगन का अच्छा प्रोसेसर दे डालो दे डालो दे डालो, बट सैमसंग है कि उसका 15 वाट का चार्जिंग और अपना ये प्रोसेसर जिंदगी भर में कभी भी नहीं छोड़ता। एनीवेज दोस्तों, ये है सैमसंग का टैब S6 Lite। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, अगर प्राइसिंग आ गई होगी तो वो भी बता दूंगा, क्योंकि मैं जब टेक्निक दे रहा हूँ मुझे प्राइसिंग नहीं मालूम तो मैं बता नहीं पाऊँगा। एनीवेज दोस्तों, कैसा लगा आपको ये टैब, आप कमेंट उधर जाके कर सकते हो, मतलब बता सकते हो। चलिए उस बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर, जी हाँ, जियो, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, ये जो सारी चार कंपनियाँ हैं उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर आ रही है। जी हाँ, मतलब अगर ये चीज़ हो जाती है ना दोस्तों, मैं सच कहता हूँ, काफ़ी लोगों के जो मतलब जॉब्स हैं वो सब उठ जाएंगे या फिर चले जाएंगे वगैरह वगैरह। अब वो क्या सोच रहे हैं कि दोस्तों ये जो अभी आउटब्रेक हुआ है उससे आपको तो पता ही, हम मशीन से पेमेंट करते, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करते UPI से, पेटीएम से, जिससे भी आप करते हो। तो अब ये सारी ब्रांड्स क्या सोच रहे हैं कि भाई अब हमें ह्यूमन वर्क्स जो है वो हटा देने चाहिए और सिर्फ मशीन वर्क्स लगा देने चाहिए, मतलब ह्यूमन काम नहीं करेगा, आप घर बैठे बैठे जो आपको रिचार्ज करना है फ़ोन लो, हो गया, कुछ मंगाना है फ़ोन लो, हो गया। वैसे तो हाँ,
ये काफ़ी बुरी चीज़ है। मतलब अगर ये चीज़ हो जाती है तो लोगों के जॉब्स हट जाएंगे, मतलब काफ़ी नुकसान होगा लोगों को, कंपनीज को तो नहीं होगा लेकिन लोगों को होगा जो भी यहाँ पे हो रहा है। जी हाँ, तो देखते हैं, आप बताइए कमेंट करके कि भाई आपको ऐसा चाहिए कि भाई मशीन से आपकी सारी चीज़ें हो जाए या फिर ह्यूमन आपके लिए होना चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि यार अगर गड़बड़ हो गई तो क्या, फिर कौन आएगा? मशीन तो कुछ बोलेगा नहीं कि भाई मेरे से ये हो गया, मुझसे ये हो गया, मतलब बोल नहीं पाएगा वो। तो मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, आपकी क्या राय है? लाइव स्ट्रीम में जाओ, कमेंट करो और बताओ। थोड़ा काम तो आपको भी करना चाहिए, लॉकडाउन में क्या ही मतलब काम है, नहीं है तो जाओ कमेंट्स में जाके डाल डालो। चलिए रुसात का अगले खबर की ओर वाणी आप पर दोस्तों, मी नोटबुक। जी हाँ, शाओमी का लेटेस्ट लॉन्च, नहीं 11 जून को लॉन्च होने वाला है नोटबुक, मतलब कि लैपटॉप। तो मी का लैपटॉप आ रहा है 11 जून को, उसके बारे में मैं आपको उसी दिन बता दूंगा सब कुछ। एनीवेज दोस्तों, ये एक्चुअल में ये काफ़ी बजट नहीं होने वाला है इसमें। उन्होंने कहा कि भाई ये ऑफिस वर्क के लिए भी होगा, एडिटर्स के लिए भी होगा और गेमर्स के लिए भी होगा। आप गेमर्स बोल दिया तो भाई आपको तो पता ही है 50,000 के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि गेमर गेमिंग के जो लैपटॉप पीसी वगैरह सब होता है वो कितना महंगा होता है वो तो आपको भी पता ही होगा। तो मुझे नहीं पता, देखते हैं, ये 11 जून को आ रहा है। लेकिन साथ में ऐसी खबर आ रही है कि भाई इसके साथ आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा, और वो क्या होगा? Xiaomi का इलेक्ट्रिक टूथब्रश प्रो। जी हाँ, इसके पहले एक आया था, वो भी मैंने टेक्निक्स में बताया था, अब ये उसका बड़ा भाई आ रहा है, मतलब टूथब्रश के भी बड़े भाई। क्या ज़माना आ गया है। तो क्या आप रेडी हो करने के लिए? मतलब बस आप ऐसे रखो और बस वो अपने आप कर देगा, पता नहीं दांत बात निकाल दे। एनीवेज दोस्तों, आप देखते हैं ये कब आता है, मतलब 11 जून को मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। 11 जून को ही आ रहा है। और साथ में मैं दोस्तों लगे हाथों, 11 जून को चाइना के अंदर मी बैंड 5 जो है वो लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, इसकी डिस्प्ले आ चुकी है, इसके आप अंदर आपको चार कलर मिलेंगे, येलो, रेड, ब्लू और ग्रीन। ब्लू का कन्फर्म नहीं है, ब्लैक या फिर ग्रीन कुछ ऐसा ही होगा। तो हाँ, ये चार कलर्स मिलने वाले हैं। और साथ में इसमें आपको 1.07 इंचेस की एक डिस्प्ले मिलेगी, आपको कौन सी होगी नो आइडिया। तो देखते हैं 11 जून को ये सारी चीज़ आएगी, एक ही वीडियो में मैं उसको कवर कर डालूंगा। आप एक्साइटेड हो मी नोटबुक या फिर घिसने वाले दांत से, आई मीन ब्रश से, इलेक्ट्रिक वाला, वो आपका मुझे कमेंट करके उधर बता सकते हो। चलिए इस बात का अगला खबर की ओर वाणी आप पर वन प्लस की तरफ से। जी हाँ, वन प्लस दोस्तों, वन प्लस का जो जेड है उसकी प्राइस, उसके स्पेक्स फेंक मतलब डाल डाले। जी हाँ, ट्विटर पे अगर आपको नहीं पता तो मैक्स जो उन्होंने ट्वीट करके दे दिया, पूरा ट्वीट नहीं छोड़ो मतलब पूरा एकदम एग्जैक्ट छाप दिया, मतलब सच्ची वाला फ़ोन ही छाप दिया। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये 10 जुलाई को इंडिया में और बाहर लॉन्च हो सकता है, अब देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो स्पेक्स है ना, अगर ये स्पेक्स के साथ ये इंडिया में आ गया, फायर डालेगा, आग लगा देगा, सीरियसली मार्केट में आग लग जाएगी, ऐसा फ़ोन है ये। एनीवेज दोस्तों, पहले स्पेक सुन लीजिए, आपको इसमें QHD की सुपर एमुलेट वाली पैनल मिलेगी, जो थोड़ी सी कर्व तो नहीं होगी, ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ा सा हल्का सा कर्व हो सकता है, वो देखेंगे। साथ में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 765G स्नैपड्रैगन 5G वाला प्रोसेसर मिलेगा, और साथ में आपको ट्रिपल कैमरास मिलेंगे, 48, 8 और 13 ऐसा कुछ है। और साथ में प्राइस सुनिए, 30 वाट की चार्जिंग भी मिलेगी उनकी, जो लेटेस्ट नहीं पुरानी वाली है वॉट चार्जिंग वही। और प्राइस 24,990। चुप हो गए, मैं भी चुप हो गया था ये सुनते ही, मुझे नहीं पता भाई इतना सस्ता कैसे ही आ सकता है फ़ोन, वो भी इतने कड़क स्पेक्स के साथ में। अगर ये आ गया ना, सीरियसली कोई फ़ोन मत लो, आपका बजट 20K है और थोड़ा बढ़ाओ वही ले लो, अगर ये प्राइस में आ जाता है। ये कंफर्म नहीं है, ये रूम मतलब एक रूमर टाइप का है, लीक आप कह सकते हो इसको, जो आपको मिल रहा है। तो देखते हैं, 10 जुलाई को कह रहे कि आएगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ कन्फर्म्ड है, वो है दोस्तों वन प्लस का TV। जी हाँ, पीटलाव जो इंडिया रियलमी क्यों बोलता हूँ मैं हर बार, रियलमी इतना मेरे मुंह में चला गया है, मतलब वन प्लस दोस्तों, वन प्लस के जो CEO है इंडिया के, पीटलाव उनका नाम वैसे ही कुछ है, पीटे लाओ जो भी नाम है, मतलब सॉरी पीटलाव उनका नाम है,
तो उन्होंने दोस्तों ट्वीट करके बताया कि भाई 2 जुलाई को आपको वन प्लस के बजट टीवी देखने को मिलेंगे। उन्होंने थोड़ी हिंट भी दी कि भाई 20-40 के अंदर हो सकता है। देखते हैं 2 जुलाई को क्या होता है, वो तो हमें 2 जुलाई को ही पता चलेगा और मैं आपको 2 जुलाई को ही बता दूंगा। वैसे क्या आप एक्साइटेड हो बजट टीवी ऑफ वन प्लस के लिए? आप कमेंट करके उधर जाओ और कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों आपका देख लेगा और यार वाणी पर दोस्तों मोटोरोला की तरफ से। जी हाँ, मोटोरोला अब काफ़ी ठीक काम कर रहा है। पहले तो मतलब सो ही गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था, अब वापस आ चुका है। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि भाई मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन फॉर द मंथ ऑफ जून का वीडियो बना दिया था, लेकिन ये लीक अभी आ रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक मोटोरोला के 2 फ़ोन फ्यूजन और फ्यूजन प्लस, ये जो 2 फ़ोन है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छे स्पेक्स भी इसमें कहा जा रहा है कि फ्यूजन प्लस जो होगा उसमें आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 730 जो कि हाँ पुराना है लेकिन काफ़ी पावरफुल है। देखते हैं वन प्लस मोटोरोला फ्यूजन एंड फ्यूजन प्लस इसी महीने में आएंगे, इतनी मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। तो हाँ अब देखते हैं कब आता है, वो मैं आपको एकदम जल्द ही बता दूँगा। वैसे आप क्या एक्साइटेड हो, ये मतलब तैयार हो आप अपने ये मोटोरोला के लिए ख़रीदने के लिए? आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए इस बात कर रहे हैं अगले खबर की हमारे यहाँ पर दोस्तों रियलमी की तरफ से। जी हाँ, काफ़ी टाइम से रियलमी की कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही थी, अब फाइनली अच्छी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रियलमी X3 Pro ऐसा बता रहा है कि भाई इसमें आपको वो अलग ही होगा और वो पता नहीं कब आएगा, फिलहाल नहीं आने वाला, जून में ऐसा बताया गया। और लगे हाथों दोस्तों रियलमी X3 Super Zoom के बारे में एक लीक आ चुकी है कि भाई ये जो स्मार्टफोन है मतलब ये ऐसा बताया जा रहा है कि भाई 15, 16, 17 ये जो डेट्स हैं उनमें आपको ये फ़ोन देखने को मिलने वाला है, ये दोनों रियलमी X3 और रियलमी X3 Super Zoom। तो जूम मतलब सिर्फ जूम होगा उसमें अच्छा खासा, और पता नहीं और कुछ डाल दें। अब दोस्तों इंडिया के जो MD है मतलब रियलमी के, उन्होंने मतलब गैजेट्स नाम एक चैनल है गैजेट 360, उन्होंने उनको ट्वीट किया कि भाई ये कब आ रहे, तो मतलब कौन से प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं, मतलब ऐसे सिर्फ ट्वीट किया उन्होंने, पता नहीं क्या किया लेकिन सिर्फ ट्वीट किया। तो जो MD उन्होंने कहा, फ्रांसिस वैंग उनका नाम है, उन्होंने कहा विच डू यू एक्सपेक्ट द प्रोसेसर ऑन रियलमी X3 Super Zoom। अलग ही बात सीरियसली, मतलब बाहर आपको तो पता ही है इंडोनेशिया वगैरह में, आप यूरोप में वगैरह में आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस मिल रहा था, अब इधर वो ऐसे क्यों बोले कि भाई कौन सा प्रोसेसर आप एक्सपेक्ट करते हो, मतलब मैं अभी कंफ्यूज हूँ, ये आएगा नहीं आएगा, रियलमी X3 अकेला आएगा कुछ कंफर्म नहीं है, या फिर कोई नए प्रोसेसर के साथ रियलमी धमाका कर दे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इंडियन मार्केट में देखिए 20,000 अंडर 20 के बहुत ही भसड़ मची पड़ी है, मतलब बहुत सारे फ़ोन्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं जो मतलब बहुत अच्छे। एनीवेज तो हाँ अब देखते हैं रियलमी X3 Super Zoom 15, 16, 17 तक देखते हैं, अगर आ जाए तो अच्छा है वरना कुछ नहीं कर सकते, वेट ही कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज क्या आपको पता है कि दोस्तों जो इंटरनेट है, जी हाँ जो इंटरनेट है उसका टोटल हम अगर गिन के, पता नहीं वो मैथमेटिकली या फिर थ्री में से है थियोरी टेक्निकली, तो उसका वेट होता है दोस्तों 50 ग्राम। मस्ती नहीं कर रहा, जी हाँ सीरियसली 50 ग्राम का आपका जो ये वेट है वो मिल जाता है। इंटरनेट पूरा कैलकुलेट कर दो तो इतनी मतलब इतनी सारी चीज़ें इंटरनेट पे, फिर भी 50 ग्राम, मत पूछना कैसे, वो एक फैक्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, मत पूछना गलती से भी मत पूछना। तो आज की टेक न्यूज यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आज की टेक न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद जरूर जरूर को लाइक कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही गर्मा गर्म टेक न्यूज आता रहूँगा, आप लोगों को ऐसे अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले साथ लोग रेडे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और आज मेरा अनबॉक्सिंग नहीं देखा तो जाओ देखो और क्या ही करो भाई, मैंने अंडर 200 दोस्तों एक अच्छा ईयरफोन का अनबॉक्सिंग किया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा या फिर चैनल पे जाके देख के आओ और मुझे बताओ कैसा लगा। तो चलो बाय।